आप किसी दुकान पहुंचते हैं, फलां सामान की मांग करते हैं, वो सामान मिल जाता है और रुपए पैसे का हिसाब किताब हो जाता है, परंतु दुकानदार की आंखें ये बताती है कि वो सोच कुछ और ही रहा था। एक सबकॉन्शियस अप्रोच उसके साथ में थी जो ये बता रही थी कि सामान यहाँ पर है, हिसाब किताब इतना है, परंतु जो विचारधारा भीतर की है वो कहीं और चल रही है। एक बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ने बिठा दिया जाता है, 15 मिनट बाद देखते हैं तो उसकी शक्ल बताती है कि वो कहीं किसी और दुनिया में मौजूद है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं या फिर कुछ और विचार मग्नता के साथ में बच्चा चल रहा है। कोई व्यक्ति विशेष टेलीविज़न सेट के सामने घर परिवार में आकर बैठ जाता है, परंतु उसकी भी आंखें ये स्पष्ट तौर पर बताती है कि टेलीविज़न पर उसकी निगाहें हैं ज़रूर, परंतु दिन दुनिया कहीं और चल रही है। इसके उलट करके हम देखने वाले रहे, जैसे ही दुकानदार के साथ में मोल भाव किया जाता है तो वो कॉन्शियसनेस के साथ में आने की शुरुआत कर बैठता है। वहीं पर बच्चे जब खेलने के साथ में होते हैं तो अटमोस्ट कॉन्शियसनेस के साथ में होते हैं, जहां हैं वहीं पर लगातार चलायमान है। और टेलीविज़न सेट पर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है, कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है, तो व्यक्ति विशेष पूरी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में वहां पर होता है। अवचेतन और चेतन की ये यात्रा धीरे धीरे बताने वाली होती है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर पूर्णतया हैं या नहीं, मन कहीं और है, शारीरिक दृष्टिकोण से वहाँ मौजूद है और अवचेतन उस जगह के कामकाज को चलाता चला जा रहा है। वर्षों से जॉब के लिए जाते हैं, कामकाज करते हैं, सब कॉन्शियस बेसिस पर, प्रेशर आता है तो कॉन्शियस होकर उसके बारे में सोचने की शुरुआत करते हैं और पुनः खुद के लिए वहीं से एक अलग सिरे का सॉल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हाँ यहाँ ये गणना है, इस तरह से चलना है और इससे मुक्त होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यक्ति आज जहाँ है और इस क्षण जहाँ है वहाँ कितना मौजूद है, व्यवस्थित क्रम यह है। आप कार्यक्रम ये देख रहे हैं परंतु सोचने ही लगते हैं कि हाँ वाकई में ऐसी स्थिति हमारे साथ में या उस व्यक्ति विशेष की आंखों में हमने देखा था, परंतु मौजूद अभी हमें यहाँ रहना है। जब ये अवस्था धीरे धीरे गतिमान होने लगती है तो व्यक्ति भीतर की चेतना को अलग अवस्था में देखता है, वो हर एक क्षण ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। ये ध्यान ज्ञान का वो माध्यम है जो वर्तमान सिरे को स्पष्ट करता हुआ पूरी ही तस्वीर को धुंधलके से हटाकर स्पष्टता के साथ में लेकर आ रहा है, परंतु व्यवस्थित होने की आवश्यकता है तो यहां, अन्यथा कुछ न कुछ और सोचते चले जा रहे हैं, कामकाज करते चले जा रहे हैं, यहां होकर भी यहां नहीं है, वहां का सोचकर भी वहां नहीं है और इसी के भीतर पूर्णतया उलझे हुए हैं। इसी वजह से जब भी व्यक्ति सूर्य उपासना की ओर निरंतर जाता है और साथ ही साथ जो पूर्णिमा की स्थितियों के साथ में चंद्रमा दर्शन करने की ओर होता है, वो भीतर भीतर चैतन्य की अवस्थाओं को लावण्यमय आधार पर अपने साथ में देखता चला जाता है और वहां से भीतर की शीतलता उसको लगातार प्राप्त होने वाली होती है। इसी वजह से हम किसी और पर नहीं, स्वयं के साथ में ये प्रयोग करके देखने वाले रहे, जहां हैं वहां कितनी देर तक मौजूद हैं और उसके बाद पुनः कितना जल्दी स्वयं को वहीं लेकर आने का कार्य करते चले जाते हैं। बहरहाल ये विचार है आध्यात्मिक चिंतन की अवस्थाओं के साथ, व्यक्ति चाहे तो आध्यात्मिक चिंतन की विचारधारा के साथ में भी इस अवस्था को जोड़ सकता है। और हम यहाँ इस चर्चा के बाद आपके समक्ष 4 जून 2024 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही है, भरणी नक्षत्र स्थितियां अद्भुत और विशेष तारीख मंगलवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही है, आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर आगे की ओर गतिमान होने वाले रहेंगे। जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः है आपके लिए तीव्रता की उम्मीद अपने ताने बाने को लेकर आ रही है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरों की पूरी पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं विचार मग्नता के साथ में रहकर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा, यानी जहां हैं वहां मौजूद हैं तो उसी से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी। किसी महानुभाव ने बहुत पहले कोई इंटरव्यू आदि दिया था, वहां से स्पष्टता भरे सकारात्मक संकेत निकल कर आए, तो उन संकेतों की आभा में अब जीवन यात्रा को हम कैसे देख रहे हैं, वो मूल मंत्र अपने भीतर तक
निक्षेपित करके आप आगे बढ़ने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें, उसी में आपके लिए पूर्णतया बेहतरी है। वृषभ राशि, देखिए खर्चों की यात्रा पर आज पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित करके चलने की जरूरत है आपके लिए। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का आप प्रयास करें। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में अटकाव और भटकाव की स्थितियों से स्वयं को हटाकर आगे बढ़ते हैं तो भीतर की स्थिरगामिता निरंतर निर्माण क्रम को यहाँ उल्लेखित करती चली जाती है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप अपने लिए मनोरंजन आदि की स्थितियों के लिए समय जरूर निकालें। मन एक अलग संतुष्टि के भाव के साथ में जुड़ता चला जाएगा। हल्के फुल्के गैप की कई बार रिक्वायरमेंट होती है, उस डेफिनेशन को अपने साथ आप डिफाइन करते हुए जरूर चलिएगा। तो वहीं पर जो भी कार्य लंबे सिरे से अटका हुआ था वहां पुनश्चय प्रयास करने की अवस्थाओं को आप लेकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में व्यर्थ के विवादों से बचें, जहां से कुछ निकल कर नहीं आना है ऐसे तर्कों से स्वयं को दूर रखने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। ये हस्ताक्षर अपने साथ आप लेकर जरूर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मिथुन राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपको बहुत अधिक सावधान रहकर आज चलना चाहिए। कमीशन संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि के प्रतिबिंब हैं। कामकाजी स्तर पर किसी भी तरीके का भटकाव निकल कर नहीं आने पाए किसी व्यक्ति विशेष और किसी अवस्था के माध्यम से, ये गौर करते हुए आप चलिएगा। तो वहीं मन के भीतर की बुनावट में जो नकारात्मकता लंबे सिरे से बनी हुई थी अब वो आपके लिए हटती चली जा रही है और आप स्थिरगामिता के स्वरूप को अपने साथ में देखकर आगे बढ़ने की शुरुआत करते चले जाएंगे। निवेदन है आपसे कि मन के भीतर की कोई भी अवस्था को संकुचित करके आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। जो कहना है जिस सिरे के साथ में कहना है और जिस गतिमान क्रम के साथ में कहना है वैसी ही बातों को हम लगातार रखते चले जाएंगे। ये भाव आप उजागर करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कर्क राशि, देखिए दशम भाव अवस्था है आज भी चंद्रमा और आज के साथ की अवस्थाओं में आपके लिए इंटरव्यू या फिर कोई भी मीटिंग में अटमोस्ट पॉजिटिविटी बनी हुई है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जो सिरे लंबे सिरे से अटके हुए थे वहां पर भी सुधार के संकेत आपके लिए रहेंगे। जो कोई भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में आप शुरुआत करना चाहते हैं वहां व्यवस्थाएं आपके साथ में है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात आपको लगता है कि अधूरी रह गई, उसके साथ में फैक्ट पूरे तरीके से डिलीवर नहीं हुए, उसको मैसेज करना या उससे मुलाकात करना आपके लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बहुत प्रभावी मुलाकात हुई है तो आप अपने तारतम्य को उस सिरे के साथ में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। भावुकता में किसी भी निर्णय को अपने साथ अपनाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, देखिए आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ हैं। वहीं मानसिक सुख में वृद्धि है। आप किसी भी बड़े निर्णय की अवस्था को अपने साथ संप्रेषित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी एक अलग स्तर के उजास आप अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को आज आवश्यकता ठहराव की है। जो अवस्था सामने है उसको स्वीकार करके चलना और उस स्वीकारोक्ति के साथ में अपनी यात्रा को आगे की ओर तयशुदा क्रम में बढ़ाते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसको अपने साथ में अंगीकार और स्वीकार करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सिंह राशि के महानुभावों के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्रम है। कन्या राशि, देखिए कामकाजी स्तर पर कोई भी उलटफेर सामने आता है तो उससे बहुत अधिक ठहराव के साथ में अपनी यात्रा को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की डायरेक्टिव्स को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस करने से आपको बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ कम्युनिकेशन में जितना रिस्पॉन्सिव होकर चलेंगे यानी जो कह रहे हैं जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसके पीछे सारे ही निभाव की यात्रा हमारे लिए मौजूद है। ये मुख्य आभा और ये मुख्य धारा आप अपने साथ में गतिमान करते चले जाइएगा। कन्या राशि के महानुभाव मन के भीतर किसी बात को लेकर लंबे समय से असंतोष की स्थितियों में रहे हैं तो वहां से भी स्वयं को स्थिरगामी करके चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। निवेदन है आपसे कि आज कोई भी सूचना आपके सामने आती है उसको डिकोड करने में पूरा पूरा समय आप लगाते चले जाइएगा। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता से भटकाव की स्थितियों को अपने साथ में
देख सकते हैं। इसी वजह से खुद को बारंबार उस ट्रैक पर लेकर चलने की कोशिश करें जो आपकी जीवन यात्रा का प्रमुख प्रतिबिंब है। तुला राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के साथ में आप अपनी सोच को जितना स्तरगामी करके चलेंगे उतनी बेहतरी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ यहाँ बनते चले जा रहे हैं, तो वहीं पर कोई भी बड़ा निर्णय आपको अपने साथ में यहाँ गतिमान करना है, उस स्वरूप को भी आप यहाँ स्थिरगामिता के साथ में अवस्थित करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इस दिवस विशेष की यात्रा के साथ में कहीं ना कहीं निर्णायक तौर पर बेहतरी के संकेतक समक्ष रहते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। तो वहीं आज आपके लिए सुबह सुबह के अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाना बेहद व्यवस्थित अवस्था का अंतराल रहेगा जिसमें आप लगातार बढ़ते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए संघर्षों के मध्य भी विजय की सुगंध लगातार बनी हुई है, और वहीं आध्यात्मिक तौर पर जो आपका चरमोत्कर्ष रहा है, महीनों की जो भागदौड़ रही है, अंत तो गत्वा वो आपको बेहतर परिणामों के नजदीक आज की तारीख में लेकर जाने का योग्यतम क्रम निर्मित करते चली जा रही है। आप अपने प्रखर पुरुषार्थ के साथ में जीवन यात्रा को तेजवान आधार देने की एक जो शिला स्थापित करनी होती है विचारों के माध्यम से, उसको लेकर चलने की क्रमबद्ध स्थितियों को महसूस करते चले जाएंगे। और वहीं ये याद रखिएगा कि जो भी निर्णय ले लिया है अब उसमें बारंबार अटकाव एवं भटकाव की यात्रा को अपने साथ हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, स्थिरगामी होकर अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे। मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग पोजिशंस के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, परंतु सुबह सुबह के अंतराल में अकूत संघर्ष के प्रतिबिंब के साथ में जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है। धनुराशि, पंचम भावस्थ है चंद्रमा, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे सिरे के निवेश की यात्रा को आज अपने लिए देखा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव मोड को आप अपने साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर लेकर चल रहे हैं। धनुराशि के महानुभावों के लिए इस समय विशेष में आत्मविश्वास के सिरों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर रहने वाले रहेंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। याद रखें कि रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। यहाँ पर आज के दिवस विशेष में एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी पर्पसफुल नोट को आपको अपने साथ में देखना है, तो वहाँ पर भी अपने लिए आप तारतम्य की अवस्थाओं को बड़ी ही गहराई के साथ में बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाएं। ये अवस्था अपने भीतर तक आप उजागर करके जरूर रखें। तो वहीं मकर राशि के महानुभावों के लिए बेसलेस फियर की अप्रोच को अपने साथ लेकर चलने से पूर्णतया बचना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जो मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रम आपके लिए थोड़ा सा कम कर सकता है। हतोत्साहित होने वाली स्थितियों से स्वयं को पूर्णतया बचाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं इस दिवस विशेष की यात्रा में हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने का प्रयास करें। आज कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज के बेसिस को बचाकर चलने की कोशिश आप कीजिएगा। यानी हम कहीं पर भी समझौतों के शिकार होकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, अपनी शर्तों के साथ में भी कुछ हद तक हम रहने वाले होंगे। ये स्वीकारोक्ति के भाव बनाकर चलें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। लेखन संबंधी कार्यों में आज व्यवस्थित वृद्धि आप अपने समक्ष यहाँ स्पष्ट रूपेण देखने वाले रहेंगे, ये स्पष्टता रखिएगा। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है, भाग्य का सहयोग आपके साथ में गतिमान होकर चल रहा है। सिचुएशनल बेसिस पर जो बनी हुई अवेयरनेस है वो आपको और ज्यादा पॉजिटिव करते चले जा रही है। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मन के भीतर की घबराहटों के घेरे पूर्णतया हटकर जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। ये मूल मंत्र भीतर तक प्रतिध्वनित करके आप जरूर रखिएगा। ये भी याद रखें कि बड़े निर्णय के साथ में अपने भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी हम पूर्णतया बनाकर रखने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी गौर करें कि आज भाइयों और मित्रों का सहयोग आपको पूर्णतया मिल रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेत आपके लिए दोपहर के बाद में साथ साथ गतिमान होते हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मीन राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है, पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त है, नौकरी पेशा जीवन में मान सम्मान में वृद्धि और कहीं पर भी कोई इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन की
इंफॉर्मेशन अटकी हुई थी, तो वहां पर भी अच्छे इंडिकेटिव्स आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेसिस जो आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं वो और अच्छे से फ्रेम होते चले जाएंगे, और वहीं सुबह सुबह के अंतराल में ध्यानमग्न होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी ज़रूरत एक तरह से आपके साथ बनी हुई है। और वहीं मीटिंग शादी के साथ में आप कोई भी तरीके का प्रेशर लेकर आगे नहीं बढ़ें, हम बड़े ही आराम तलबी के साथ में अपनी बात को रखने की ओर जा रहे हैं। ये मूल आभा भीतर तक जितनी गहराई से अवस्थित एवं व्यवस्थित होकर चलती है उतने ही हम जीवन आनंद को अपने साथ में बढ़ाते चले जाते हैं। ये भाव संप्रेषित करके रखने का आप प्रयास जरूर करने वाले रहिएगा, स्पष्टता भरे संकेत इसी बात में रहते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके समक्ष। तो ये था 4 जून 2024 का दैनिक राशिफल। अब ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।